हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए माल बिक नहीं रहा। ऊपर से बारिश डेली हो रही थी। देखते हमारी किस्मत में क्या लिखा है। ये अपनी गाड़ी और वो रही सामने दूसरी गाड़ी, अनलोड हो रही है। एक बार देख के आते हैं उधर क्या। सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटीसी व्लॉग। तो भाई रात को हम पहुंच चुके थे यहाँ पे गुवाहाटी में। आज 27 सितंबर है और इस टाइम हम गुवाहाटी पार्किंग में हैं, मतलब साथ में ही दुकानें हैं, साथ में ही पार्किंग है। दिखाते हैं हम आपको, उसकी जगह ये निकलेगी, उसकी जगह हमारी गाड़ी लगेगी, ठीक है, अपनी गाड़ी। तो अब हमने तिरपाल वगैरह खोल के रखा है। मुझे लगता है कि हमारे इधर भी भाई तीन दिन बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि वो गाड़ी जो है उसको 3 दिन हो गए हैं। तो ये तो गाड़ी बड़ी है, इसमें पेटी भी ज़्यादा है, 1500 पेटी हैं। तो चलो देखते हैं, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा भाई। तो अभी हम आज अपना खुद का खाना बनाने लगे हैं। उस्ताद जी खुद का खा खा के तंग आ गए हैं। आज अपना किचन चालू है भाई, मैडम हमारी बना रही है। कुंडी खोल ली मधुर अंदर आने, तो चले यो के है, ख़त्म हो गया सटनू। महाराष्ट्र नंबर गाड़ी जो कि संतरा वगैरह लेके आई हुई है। ये अपनी गाड़ी और वो रही सामने दूसरी गाड़ी, अनलोड हो रही है। एक बार देख के आते हैं उधर क्या हो रहा है। उस गाड़ी को हो गया भैया 4 दिन, तो अब अपनी गाड़ी को कितने दिन लगेंगे वो बाद में पता चलेगा। अभी एक पत्ता माल उसमें पड़ा है, मतलब तीन दांगे मतलब कम से कम भी 250 से ऊपर पेटी पड़ी हुई है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए माल बिक नहीं रहा। ऊपर से बारिश डेली हो रही थी। देखते हमारी किस्मत में क्या लिखा है। बैठे हुए थे यहाँ पे, खाना अपना बन चुका है और साथ में अपने किचन की सफाई जो वो हो चुकी है। देखो भाई हमारा किचन, गैस चूल्हा बाहर पड़ा है, सिलेंडर अंदर पड़ा है, ये तो सारा किचन का ही सामान है, ठीक है। इधर हमारे कुकर वगैरह पड़े हैं, खाना बन के रेडी है। और इधर उस्ताद जी सफाई कर रहे हैं, अंदर से मिट्टी वगैरह साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। साफ़ सफाई ना हो तो अच्छा नहीं लगता है ना, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और रहना तो हम लोगों ने ही, अंदर सफाई चल रही है और उसके बाद खाना खाएँगे मज़े से बैठ के, फिर देखते हैं अपनी गाड़ी खाली होती है कि नहीं होती, ठीक है ना। तो चले, साफ सफाई तो उस्ताद जी ने मिट्टी वगैरह जो मेन थी वो निकाल दी है। दोनों तरफ मिट्टी होती है, एक इस साइड होती है, एक ड्राइवर के पाँव में होती है, एक कनेक्टर के पाँव में होती है ना। तो ये अपना किचन है, देख लो भाई किचन, जिसको बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं। इसी एरिया में सारा सामान आ जाता है अपना भाई, बर्तन वगैरह हम लोगों ने इधर ऊपर रखे होते हैं, इस खाने में इस बॉक्स में रखे होते हैं। हम लोग यहाँ पर आके पानी फ़िल्टर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जम्मू से आके असम में पानी थोड़ा हमें सही नहीं लगता, क्योंकि इधर के लोग इधर के वातावरण के साथ मिले जुले होते हैं, इसलिए वो यहाँ का भी पी लेते हैं। पर हम इधर से आके इधर का पियेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है, बीमार भी हो सकता है, गला भी ख़राब हो सकता है। जो यूज़ है वही हम ज़्यादातर भाई वही बोतल या बैरल हो गया 20 लीटर का वो लेके करते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमारी क्या, अगर कोई भी बाहर से आएगा उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। जो इधर के लोग हैं वो इधर की वातावरण से मिले जुले हैं, घुल मिल गए हैं, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो चले मिलते हैं आपसे अपना खाना पीना खाने के बाद। अभी तो सफाई चलती है, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं। अपनी साफ सफाई हो चुकी है, डन, अब हम खाना खाएँगे। खाना खाने के बाद पूरा ये समेट समूट के सो जाएंगे खा पी के, ठीक है। तो चलें, साफ सफाई तो हमने डन कर ली है, अब देखते हैं आगे क्या करना है हमने। अभी हम खाना खाएंगे भाई। और बा शाम हो चुकी है और अपनी गाड़ी में से थोड़ा बहुत माल निकाल के ले गए ऑटो में। वो वाली गाड़ी भी खाली हो गई है, खाली करके समझो खड़ा है वो, अब बाड़े बूढ़े के लिए खड़ा होगा और रात को निकलेगी गाड़ी। और अपनी गाड़ी में से हल्का सा मतलब 2 ऑटो शायद माल निकाला है यहाँ से। भाई साहब शाम के 6:30 हो चुके हैं और यहाँ गुवाहाटी में ये है कि हमारे जम्मू से
गुवाहाटी में सूरज पहले डूबता है और अंधेरा यहाँ पे पहले हो जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का फ़र्क तो है ही है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि कितना फ़र्क है। तो मच्छर यहाँ पे बहुत है, ठीक है, और हमने तो जुगाड़ पूरा रखा है, ऑल आउट वगैरह ऑल आउट भी रखी है और एक अगरबत्ती सी आती है मच्छर वाली वो भी रखी हुई है, ऊपर पड़ी है, फिलहाल हम ऑल आउट लगाने लगे हैं। देखिए ये है हमारे पास ऑल आउट, बड़ी देर से अंदर रखा हुआ था, यूज़ नहीं हुआ था, अब हम इसको यूज़ करने लगे हैं आज पहले दिन ऑल आउट को। और हमारे ऑल आउट कहाँ लगाना है दिखाते हैं आपको, यहाँ लगाएंगे हम ऑल आउट, ऑन हो गया ऑल आउट, अब देखते हैं इससे मच्छर का फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और खाना हमने, दाल हमारी दिन की बनी है, सिर्फ चावल बनाने हैं हमने, तो पानी ये पड़ा हुआ है। हर एक जगह का अलग अलग सिस्टम रहता है, अपने इधर जम्मू का अलग रहता है, गुवाहाटी का, हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है, तो और अलग अलग किस्म के मच्छर भी हैं, कोई तेज मच्छर है, कोई छोटा मच्छर है, कोई बड़ा मच्छर है, बहुत बुरी हालत है भाई। तो देखते हैं सुबह हमारी गाड़ी खाली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो बात की बात है। बाहर लगी है ये महाराष्ट्र नंबर का एंटर, परतवाड़ा से आई है, पानी भर चलो। शाम के हो गए भाई 7:30, तो आज पूरे दिन फ्री में ही निकाल दिया, सिर्फ 150-200 पेटी जो है अपनी खाली हुई है। और आज हमारा शाम का जो खाना है वो दिन की दाल है और दोबारा चावल बनाए हैं, सलाद काट चुका है हमारा, फिर ढाबे की खा खा के तंग आ गए थे, आज अपना मिला है तो बस मज़ा आ गया खाने में। दाल सादी दाल है, मूंगी की दाल सबसे बढ़िया, और उस्ताद जी बना रहे हैं, खिला रहे हैं हमको, सेवा कर रहे हैं फुल। अब देखते हैं सुबह खाली होती है या नहीं, बाकी जो खाने का मज़ा अपना बना के है वो शायद ही कोई और हो। तो चलो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। मैं एक दिन ना खा रही हूँ, मज़ा है भाई एकदम मस्त। ढाबे की तो पसंद नहीं आती, नमक क्या बार कटे हो नमक वहाँ पर, ढाबे की तो हमें भाई पसंद नहीं, क्यों उसमें मसाले ज़्यादा होते हैं। पैसा भाई अपना हो चुका है और अब पूरे एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, मच्छर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हैं भाई, मच्छरों की तो बात मत पूछो, एक मिनट भी बैठा नहीं जा रहा है बिना पंखे के या बिना वो मच्छर की जो अगरबत्ती है वो लगाने के बिना। ऑल आउट भी लगाया फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो क्या करें भाई, इसलिए हमने पंखा लगा लिया अपना, चालू कर लिया, खड़ी गाड़ी में एसी तो लगा नहीं सकते, वैसे एसी वाली गर्मी भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 2 दिन यहाँ पे बारिश होती रही है, इसलिए एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और भाई एसी लगाना पड़ेगा तो गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो डीजल लगेगा, सब कुछ देखना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि आगे मंदे का टाइम चल रहा है, इस टाइम मंदा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे उधर से सेफ चल रहा है, पर हर साल की तरह, मतलब हर साल दिन बाय दिन नया से नया जो साल आ रहा है, और सेब का सीज़न, सेब का काम जो हमारे J&K में मशहूर था वो कम हो रहा है, क्योंकि हर सीज़न में यही हुआ करता था कि अच्छा फेरे लग जाएंगे, अच्छे ट्रिप लग जाएंगे, अच्छे पैसे आ जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, किसी बाइक की किस्तें टूटी हैं वो पूरी कर लेगा, किसी ने टायर चढ़ाने हैं, किसी ने डॉक्यूमेंट गाड़ी के तैयार करवाने हैं, मतलब पूरे साल का हिसाब का बराबर हो जाता था। हमारे J&K की गाड़ियाँ डिपेंड थी किस पे, एप्पल सीज़न पे, तो भाई वो तो अब 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी भाई का कोई चक्कर अच्छा लग जाता है, अगर अच्छा लग जाता है तो आगे पहुँचता है, जब तो उधर माल कभी कम हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, उसमें पैसे कट जाते हैं 10-20 हज़ार, ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ भी अभी एक गाड़ी हमारे आगे जो खाली हो रही है उसकी भी बेचारे की कम से कम 20 पेटियाँ जो है वो ख़राब हो गई, क्योंकि उसमें जो बारदाना है ना वो था उसका गत्ते का, और यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो कल 2 दिन यहाँ बरसात रही, बरसात में खाली उसकी भी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी उसके पैसे बोल रहे हैं कि काटेंगे, पता नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे वो बात की बात है, पर भाड़ा फिर भी टाइम से नहीं मिल रहा है,
भाड़ा वही आधा मिला उसको, बाकी बोलता है अकाउंट में डालेंगे आप। उस्ताद बोलते हैं मैं गाड़ी पार्किंग में लगाऊंगा, उसके बाद मैं भाड़ा पूरा लेके जाऊंगा, नहीं तो बाद में कब डालेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, वो बाद की बात है। तो मेरा तो एक ही मानना भाई, जो भी आए अपना भाड़ा पूरा लेके जाएं, क्योंकि इतना पैसा अपनी जेब से खर्च के जाते हैं, बाद में फिर भाड़ा ना मिले फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो चले हम अपना सारा सामान बारा वगैरह नपेटते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। सोने की कहाँ करेंगे, अभी फ़िलहाल उधर लगाएंगे गाड़ी अपने पॉइंट पे, वो गाड़ी निकलेगी 11 बजे, उसके बाद वहाँ पे लगाएंगे, ये सिस्टम है। और यहाँ आके एक और बात पता चली है भाई, अगर सोएं तो थोड़ा अपना ध्यान से सोएं, फ़ोन वगैरह संभाल के, बाकी बड़ी बात नहीं है, जैसे गाड़ी सुननी पड़ी है बारी आगे, आपकी खिड़कियाँ खुली हैं तो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी मन ललचा सकता है भाई साहब। तो ये बात है, चले मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, थोड़ा अपना ये लारा जो है नपेड़ लेते हैं, फिर अपना बिस्तर लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये बड़ा है भाई हमारा खलारा, अभी पूरा किचन का ये नपेड़ेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ ये लाइटें चेंज करनी है, ये वाली वो वाली लाइटें चेंज करेंगे सलंद में जाके।